आज करीबन 11:30 बजे करीब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति भर्ती हुआ जिसका नाम खालिद सनोब अब्दुल जाति मुसलमान आरओ आज़ाद नगर है, और उसने ये बताया कि मेरे एक रोहित चौधरी है उसने घर के बाहर में बैठा था चाकू मार दिया। इस पे आईओ वहाँ गया और उसके बयान वान लिया और फिर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके पश्चात मैं भी वहाँ पहुँचा और जाके उसकी चोटों का अवलोकन किया। प्रेम सिंह जी थांडा जी भी गए, बाकी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम वो भी पहुँची। तो उसकी चोटों से लगा नहीं कि भाई ये कोई चोटें कोई चाकू मारने से आई हुई है। चलो फिर उसके बाद हमने मुकदमा दर्ज करने के बाद मैं इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, रोहित को भी लेकर आए। रोहित ने ये बताया कि साहब मैं और इन दोनों ने साथ वाइन पिया था और उसके बाद में हमारी बातचीत चल रही थी, हम दोनों वाइन पिए हुए थे, बातचीत करते करते हमारे आपस में कोई झगड़ा हो गया। तो इसने मुझे कहा कि मैं तेरे को ऐसा सबक सिखाऊँ तू याद करेगा। तो मैंने कहा क्या सबक सिखाएगा देखना, तो मैं बताता हूँ जो करके। उसके बाद ये मेरे से धक्का धुन करने लग गया तो मैं तो वहाँ से चला गया और मैंने इसे कोई चाकू नहीं मारा, जबकि ये कह रहा था कि मैंने इसने मेरे चाकू मारा है। सोनू उसे बुला के पूछताछ की गई तो सोनू ने कहा कि ये जो खालिद है इसी ने इसको सबक सिखाने के लिए और एक पत्ती लेके आया, जो शार्प होती है वो पत्ती लाके और इसने अपने खुद के पेट पे इसने कट मारा और जानबूझ के फंसाने के लिए इसने ऐसा किया था कि हिंदू मुस्लिम एंगल पे ये मामला तूल पकड़े और ये इसको फंसा सके। मुकदमा इसमें दर्ज हुआ है, इसमें ये सारी कहानी सामने आ गई है। अब इसमें खालिद जो है इसके खिलाफ ही कानून कार्रवाई की जाएगी कि इसने जानबूझ के फांस एविडेंस तैयार करके दूसरे को फंसाने की सारी कार्य योजना बनाई और ये इस बात को बार बार सांप्रदायिक रूप भी दे रहा था। हाँ, वो वहाँ से अस्पताल से जब हम ये पूछताछ करके आए उसके बाद पता पड़ा वो वहाँ से खिसक लिया।